हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम 2 बज रहे हैं दोपहर के, एंड वी हैव सडनली प्लान के चलो आज कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हैं और इसके लिए बाहर जाते हैं। और मुझे अनस्टिच में कुछ नहीं चाहिए था, देन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे रेडी टू वेयर विद इन बजट कहाँ से मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोर्ट्रेस से मुझे बजट में रेडी टू वेयर मिल जाएंगे। सो मैं अभी बस अपनी बहन के साथ और अम्मी के साथ वहीं पर ही जा रही हूँ। फिर क्या वैरायटी है वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर अभी मैंने मेकअप किया है, चाय पी है, एंड यू कैन सी कि बहुत ही लाइट मेकअप किया है, काफ़ी ग्लोई मेकअप किया है, क्योंकि बाहर इस टाइम शदीद धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कुछ दिनों पहले तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन फिर दोबारा से मौसम का यही हाल हो गया। सो आज मैं आपको एक दिखाती हूँ एक चीज़ कि मैंने लिप कलर जो है वो 2 कलर्स को मिक्स करके बनाया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये गैबरिनी का एक लिप कलर था, लेट मी जस्ट शो यू, ये वाला, ठीक है। और एक ये मेरे पास था एवेलिन का ट्रांसपेरेंट कलर। इसमें मैंने ये जो डार्क कलर है ना गैबरिनी का, वो मिक्स करके इस ट्रांसपेरेंट को लाइट किया था, एंड हियर इट इज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा ये कलर बना है, और इसी को मैंने अपने चीक्स पे भी लगाया है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो ज़रा सी एक ट्रिक है जो बहुत अच्छी लग रही है मेरे लिहाज से। तो अभी मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ कि मैं क्या ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। तो लेट मी जस्ट शो यू। सो दिस इज़ द ड्रेस दैट आई एम गोइंग टू वेयर, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम पहनने लगी हूँ आज। ये मैंने सना सफीनास की वेबसाइट से एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के अंदर ये कुर्ती टाइप है, क्योंकि इतनी लॉन्ग स्ट्राइट नहीं है ये कुर्ता है, तो इसको मैंने वेयर करना है और फर्स्ट टाइम वेयर करूँगी। इसको पहन के भी आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा लग रहा है। आई एम ईदर गोइंग टू वेयर दिस विद दिस जीन्स, या फिर ये ब्लैक कलर का ये ट्राउज़र टाइप है, इसके साथ इसको वेयर करूँगी। तो फिर अभी मुझे डिसाइड करना है और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फाइनली मैं इसके साथ क्या वेयर करने वाली हूँ। तो स्टे विद मी। सो आई एम गोइंग विद माई सिस्टर एंड माई मदर। तो यहाँ पर मैं इसके ड्रेस की भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। तो ये वाला ड्रेस भी हमने सना सफीनास से ही ऑर्डर किया था। द रियल प्राइस वाज आई गेस 13,000, लेकिन ये हमें ऑफ में मिला था। कितना ऑफ था? आई गेस इट वाज फॉर 7,000। इट वाज ह्यूज डिस्काउंट, 7,000 में फिर ये मिला था। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ वेयरिंग दिस। इसके साथ ये इसने क्या कहते हैं ट्यूलिप शलवार ली थी, और ये सेपरेट्स में ली थी। इसकी क्या प्राइस थी? 2500। तो आजकल तो आपको पता ही है, दुपट्टा लेना है तो वो सेपरेट लो, साथ उसके ट्राउजर्स लेने हैं तो वो सेपरेट लो। सो दिस इज़ हर ड्रेस एंड दिस इज़ माइन। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको दिखाती हूँ, इसकी शेयर करती हूँ, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ बुलाया कि ये शी विल बी होल्डिंग द कैमरा, ताकि मैं आपके साथ पूरी ड्रेस डिटेल्स शेयर करूँ। तो इसके साथ मुझे वो दोनों ही पैंट्स अच्छी नहीं लगी थी, और फिर मैंने ये स्किन कलर की पैंट जो है इसके साथ प्रेस की, और वो बहुत अच्छी लग रही थी। सिंपल प्लेन कुर्ता है बैगी स्टाइल का, इसके साथ इसका दुपट्टा मैंने मैच किया था। इसके साथ ये जो दुपट्टा है, ये वाला दुपट्टा मैंने खुद मैच किया, खाली ये सेपरेट शर्ट मैंने परचेज़ की थी। शर्ट भी नहीं है, कुर्ती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो शॉर्ट लेंथ है, इसके साथ ये मैंने खुद ही से मैच किया। 15 मिनट्स लेटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से सारी शॉप्स शुरू हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल साथ साथ रस्म और रिवाज हो गया। ये तो बहुत पुराना है, खैर इससे पहले ये जो जेम गारमेंट्स आए हैं दिस इज़ न्यू, लेकिन ये मेल्स के लिए हैं। तो कुछ शॉप्स जो हैं वो यहाँ पर मुझे बंद भी नज़र आ रही हैं, इसके अलावा कुछ जो हैं वो यहाँ ओपन भी हैं। सो लेट्स सी कि क्या सीन है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैं कैजुअल देख रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि सेल लगी हुई है, और यहाँ पर शादी वगैरह की अच्छी खासी वैरायटी है, वो भी सेल पर। फिर से आपको मैक्सीज, इसके अलावा वेडिंग के लिए अगर आप कोई ड्रेसेस परचेज़ करना चाह रहे हो बजट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलते चलते ही मुझे एमांस कलेक्शन के नाम से एक शॉप नज़र आई है, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कितने खूबसूरत लहंगे हैं। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, आई वाज लुकिंग फॉर सच कलेक्शन फॉर सो लॉन्ग। यहाँ पर इंडियन इंस्पायर्ड लहंगे थे, जिसमें इनके मुताबिक तारा सुथरिया, आलिया भट्ट और मच मोर बेतहाशा कलेक्शन थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, कैन कैन बहुत ही क्वालिटी का कैन कैन लगा था इसके साथ। 15,000 से 25,000 की रेंज में आपको स्टिच्ड लहंगे मिल जाएंगे। इस हैसल से बच सकते हो कि आप खुद ही से कपड़ा ख़रीदो, उसको टाई एंड डाई करवाओ, फिर स्टिचिंग करवाओ, एंड मच मोर। यहाँ से आओ, रेडी टू वेयर परचेज करो।
18,500 में था पर अब 13,000 आगे। आपको पता है कि शादियों का सीज़न है और यहाँ पर जितनी भी आपको फैंसी कलेक्शन नज़र आएगी, जिसमें मैक्सीज थी, लहंगे थे, इसके अलावा गरारे शरारे ईच एंड एवरीथिंग, इस पर आपको परसेंटेज, काफ़ी परसेंटेज ऑफ भी मिलेगी, लेकिन ये फ़िलहाल अभी तक के लिए है। आगे विंटर सीज़न जैसे ही स्टार्ट होगा आपको इन पर कोई सेल नज़र नहीं आएगी, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड राइट टाइम टू परचेज़। मैंने शॉपिंग कर ली थी, इसके बाद यहाँ पर शेज़ान रेस्टोरेंट है विच इज़ इन फोर्ट्रेस, सो आई एम फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस। यूजुअली हम बुंदू खान ही से ऑर्डर करते हैं, सो लेट्स जस्ट सी कि इनका क्या टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ में काफ़ी शॉपर्स हैं, जिसको मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा। तो बस यहाँ पर अम्मी, मैं और मेरी बहन बातें कर रहे थे, साथ साथ मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। दो होट एंड सावर सूप ट्राई किए हैं, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से ही ऑर्डर कर रही हूँ होट एंड सावर। इससे पहले यहाँ पर फोर्ट्रेस और बुंदू खान हम यूजली वही ट्राई करते हैं। इसके अलावा चिकन चिली ड्राई विद राइस ऑब्वियसली और चिकन चाउमीन। लेट्स सी इसका क्या टेस्ट होता है, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। गुड बट कंपेरेटिवली मुझे इनकी चाय ज़्यादा अच्छी लगी, और इस टाइम रात हो रही थी और हम घर वापस आ गए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उन तमाम ड्रेसेस की डिटेल्स जो कि मैंने फोटोज से लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहला ये जो ड्रेस है ये बिन सईद का है, लेकिन इस शॉप का नेम यास्मीन कलेक्शन है। मैं इस शॉप की डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर आपको बिन सईद की और सदाबहार की दोनों कलेक्शन मिल जाएगी। ये काफ़ी मेच्योर सा था और खाड़ी प्रिंट था, तो ये मैंने अपनी मदर के लिए लिया वहाँ से। थ्री पीस में है ये, आप देख सकते हो बहुत ही प्लेन सिंपल इसकी स्टिचिंग है। आगे इसके इस तरह से लेस है, वी नेक डिज़ाइन है इसका, और लाइट सा आप देख सकते हो पीछे इसके बैन है। ये जो स्लीव्स हैं वो लॉन्ग स्लीव्स हैं, और आगे इस तरीके से ये आप देख लो कि इस तरह से इसके स्टाइल बने हुए हैं, और लाइट सा ये बेल में भी है, इसके स्ट्रेट बाजू नहीं है, थोड़ा सा बेल स्टाइल में है। बैक भी आप देखो कि इसकी प्लेन सिंपल बैक है, और इस तरह के प्रिंट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसका जो स्टफ़ है वो अच्छा मोटा स्टफ़ है, और आगे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में भी ये पहना जाएगा। और इस शर्ट के साथ आप देखो कि ये फुल लेंथ में दुपट्टा भी नहीं बल्कि चादर है, और बहुत ही खूबसूरत चादर है, जिसने इस सूट की ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छी कर दी है। और इसकी प्राइस थी 5,000। इस 5,000 में आपको ये बहुत बड़े साइज़ की फुल लेंथ की शॉल, इसके साथ ये इसकी शर्ट, और साथ लेट मी जस्ट शो यू कि इस कलर का सेम टू सेम कलर का ट्राउज़र भी मिल जाएगा। प्लेन ट्राउज़र है, स्ट्रेट ट्राउज़र, इस वजह से ये मैं तो आपको नहीं दिखा रही, लेकिन ये है कि बिन सईद की और सदाबहार की बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी। 6,000 to 7,000 की रेंज में आपको थ्री पीस मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द सेकेंड ड्रेस जो कि मैंने अपनी अम्मी ही के लिए परचेज किया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम शॉप यास्मीन कलेक्शन। और यहाँ पर इनके पास बिन सईद की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी, और बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे, मेच्योर आर्टिकल्स थे। इस तरह के आर्टिकल्स मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि शॉल्स के साथ थे, तो शॉल्स के साथ आर्टिकल्स काफ़ी डिसेंट लगते हैं, काफ़ी एलिगेंट लगते हैं। और आगे विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही प्लेन स्टिचिंग है कपड़ा, अगर आप देख सको तो इसका कपड़ा विंटर स्टफ़ है। और ये इस कमीज़ के साथ इसकी शॉल है, फुल लेंथ की इसकी शॉल थी, और बहुत ही खूबसूरत ओवरऑल लुक इस ड्रेस की लगेगी पहनने के बाद भी। तो ये भी आपको सेम, अगर आपने आर्टिकल इस तरह का लेना हो तो आपको ये यास्मीन कलेक्शन से मिल जाएगा। ये शॉप आपको फोर्ट्रेस में मिल जाएगी, उनके पास बिन सईद की, सदाबहार की बहुत अच्छी कलेक्शन है,
एंड इसका ये ट्राउजर है, सेम प्लेन ट्राउजर है. एंड दिस इज द ड्रेस दैट आई हैव परचेज्ड फॉर माई सेल्फ. इस शॉप का नाम राफिया था, जो कि आपको फोर्ट्रेस में नजर आ जाएगी. बहुत अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर इनके पास, और तकरीबन हर शॉप पर फैंसी ड्रेसेस पर आपको सेल मिल जाएगी. लेकिन जो विंटर कलेक्शन है, ये इस तरह के कैजुअल वेयर्स हैं, इस पर आपको किसी भी किस्म की कोई सेल नहीं मिलेगी. इसकी प्राइस की बात की जाए, इसकी प्राइस 5,750 थी, विच इज़ नियरली अबाउट 6,000. स्मॉल साइज में मैंने इसको परचेज किया, और स्टिचिंग कुछ इस तरह है कि इसके आगे आप देखो कि प्लेट्स हैं. नेक डिज़ाइन सिंपल प्लेन नेक डिज़ाइन है, गोल नेक डिज़ाइन के ऊपर लाइट सा वी है, और इसके बाद सेंटर में इस तरह से ये पट्टी आ जाती है, जिसके साइड पर पिंक कलर की पाइपिंग है, और यहाँ पर इस तरीके से इसकी कुछ स्टिचिंग है. लॉन्ग फ्रॉक है. So this was all about today's vlog. I hope you like it. If you really do, so please make sure to subscribe my channel and give this video a like and do comment as well. Milte hain next video mein, tab tak ke liye Allah Hafiz.